मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकारी सुविधाओं के प्रति जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए अनूठी पहल की है। सीएम कमलनाथ अपने दाएं हाथ की उंगली का ऑपरेशन कराने भोपाल के सरकारी अस्पताल हमीदिया पहुंचे, जहां करीब 20 मिनट तक सीएम कमलनाथ की उंगली की सर्जरी चली। सर्जरी के दौरान सीएम कमलनाथ की फैमिली डॉक्टर भी मौजूद रहे। सर्जरी के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अरुणा कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम कमलनाथ को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। शाम करीब 4 बजे तक अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इधर सीएम कमलनाथ को देखने विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे, मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा समेत कांग्रेस के कई नेता पहुंचे। बता दें कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब प्रदेश के किसी सीएम ने सरकारी हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी कराई हो। वहीं सीएम कमलनाथ द्वारा सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के फैसले की सभी जगह प्रशंसा की जा रही है। डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह आज 9 बजे अस्पताल में आए। उनका एक हाथ का माइनर सर्जरी होना था, उसके लिए हमने पूरी टीम की व्यवस्था की थी। डॉक्टर संजीव गौर ऑर्थोपेडिक्स के हेड है, उनकी टीम एवं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल एनेस्थीसिया के हेड हैं, उनकी टीम द्वारा पूरा उनके अंडर में करके ऑपरेशन का हुआ और ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। प्रोसीजर में पूरे 20 मिनट लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है, उनको रिकवरी में रखा गया है। रिकवरी में डॉक्टरों की निगरानी में 1-2 घंटे हैं और जैसे ही पता चलेगा संभवतः शाम तक उनकी छुट्टी हो जाएगी। रिंग फिंगर की सर्जरी सफलतापूर्वक लोकल डॉक्टर्स के द्वारा पूरी हुई है, वो स्वस्थ हैं और डॉक्टर की सलाह के बाद वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सीएम साहब को कल हाथ में तकलीफ थी और उस हाथ की तकलीफ के चलते वो हमीदिया जो सरकारी अस्पताल है भोपाल का वहाँ दिखाने आए और आज अभी सर्जरी उनकी है, छोटी सर्जरी है। पर निश्चित ही कमलनाथ जी की एक बहुत ही अच्छी सोच है जिसके चलते उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने का निश्चय किया। इसके बावजूद कि तमाम नेता तमाम डॉक्टर उन्हें एडवाइस कर रहे थे कि वो दिल्ली जाके किसी बड़े अस्पताल में सर्जरी कराएं, पर कमलनाथ जी चाहते हैं कि आम हो चाहे खास हो, हर व्यक्ति का विश्वास सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूलों में बढ़ना चाहिए और हम ऐसी व्यवस्थाएं सरकारी अस्पताल में दे कि कोई भी व्यक्ति इलाज कराने से घबराए ना, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए तो सरकारी ही अस्पताल ही सब कुछ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे होते हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सरकारी अस्पताल को इतना अच्छा बनाएं, उसका इलाज इतना अच्छा सुनिश्चित करें, डॉक्टर्स को भी एक विश्वास आएगा और जनता को भी एक विश्वास आएगा।